आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा फहान। मैं एक्चुअली दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मिड सितंबर है और काफ़ी सारे पिजन्स मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। उस दिन रिक्वेस्ट आई थी कि मैं डे टाइम में इनकी वीडियोस बनाऊँ और दोबारा से अपलोड करूँ, तो ये उसी का एक्चुअली पार्ट टू कर दें। ब्रीडिंग सेशन सितंबर में स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर अभी दाने का टाइम था। मैंने कहा आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे पिजन्स ऐड किए हैं इसमें। कुछ कसूरी हैं, सियालकोटी हैं और काफ़ी सारे पिजन्स जो मैंने रिमूव कर दिए हैं, जिनसे कुछ ब्रीडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ ब्रीड्स हुई हैं जो फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, पिजन्स वगैरह उनके बच्चे नहीं उड़े। दो चार जोड़े जो मेन थे वो मैंने रख लिए। बाकी अब ये देख सकते हैं आप, जो बहुत ही अच्छी ब्रीड्स में वो मैंने कीप किए हैं। ये कुछ सियालकोटी वगैरह कबूतर हैं, ये एक सियालकोटी हो गया और यहाँ पे एक कासनी कबूतर है, ये मेरे अच्छे पुराने कबूतर हैं, वाइट कबूतर है। ये जो लेफ़्ट साइड पे कासनी है, ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरे पास पहले भी था। इसका एक्चुअली ये ब्रीडिंग में यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसका वजूद जो है वो छोटा है, ये नर है। और एक ये मेरे पास पड़ा हुआ, ये नीली आँख में है। इसका वजूद भी काफ़ी बड़ा, इसके पर बहुत ही अच्छे हैं, जोड़ भी अच्छे हैं, हाइट्स भी अच्छी हैं इनकी। तो आप देख सकते हैं कि कौन कैसे से कबूतर आप ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी डिफरेंट आए हैं नए, स्पेशली टेडी। टेडी बहुत अच्छे कबूतर में लाया हूँ, जो अभी नेक्स्ट ब्रीडिंग में मैं यूज़ करूँगा। तो आई होप कि इनके जो बच्चे होंगे उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। कुछ ये बच्चे ऑलरेडी निकले होंगे, आपने देख रहे हैं ये सारे जो बच्चे हैं इसके अंदर, इनके अच्छे रिज़ल्ट हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं जिस लेवल पे मैं चाह रहा था। और कुछ कबूतर पीछे बीमार भी हुए थे, उनको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर हॉस्पिटल सा बना हुआ है, जो थोड़ा सा भी कोई मसला आता है तो उसको नीचे ले जाता हूँ मैं, उस पर मेडिसिन वगैरह दे के सही होता है तो फिर वापस आता है 10-15 दिन के बाद सही होने के। अब देख सकते हैं एक मगर कबूतर है, कासनी कबूतर। ये मेन मैंने कबूतर और ऐड किए, ये मेरे दो फेवरेट जा रहे हैं इस वक्त। ये पेयर ही मैं कहीं से लाया था। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनकी प्राइसिंग वगैरह क्या है। प्राइसिंग अब एक्चुअली जानवर के हिसाब से होती है। बर्ड्स जैसा सा बर्ड लेते हैं, कुछ 2,000 का, कुछ 4,000 का, कुछ 500 का, सो इस तरह लाइक प्राइस ऊपर नीचे होती है। और गिफ्ट वगैरह भी आते हैं अच्छे से अच्छे, अभी जैसे मैंने आपको सियालकोटी वाले कबूतर दिखाए, वो गिफ्ट आया मुझे कहीं से। और पीछे सीज़न बड़ा, ये मैंने एक्चुअली पकड़ी थी पीछे मादी, तो अभी दोबारा सर पर हो रही है, मैंने पीछे खींचे भी हुए थे कबूतर। तो अभी मौसम गुजरा है गर्मी का, काफ़ी कबूतर जो हैं वो दोबारा से रिकवर हो रहे हैं। एक्चुअली वेट काफ़ी लूज़ कर चुके हुए थे। आप लोग भी इनको कुछ अच्छी अच्छी मेडिसिन दें जिनसे ये थोड़े बहाल दोबारा से हों। देख सकते हैं कुछ बच्चे निकले हुए थे, जिनको कहते हैं कि कुछ इनमें जो सेकंड बच्चा होता है वो थोड़ा वजूद का छोटा होता है। ये एक्चुअली नीचे जितने बैठे हुए थे वो तो आपने देख लिए, जो ऊपर बैठे हैं वो नहीं देखे। उनमें ज़्यादातर सर पर जितने मैंने किए थे ऊपर जाके बैठे होते हैं। इसमें आप लोगों की जितने रिक्वेस्ट वगैरह हैं वो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं अपलोड करता जाऊँगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये सारे सर हुए हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। ये मैंने पीछे एक महीना पहले इनके पर खींच दिए थे, तो अब ये है कि इनके आगे केज के आगे काफ़ी बड़ा जाल पड़ा हुआ है, तो इस पर ये सारे बाय निकलते हैं। काफ़ी हेल्दी हैं आपके ऊपर, पहले से बहुत खुश भी हैं। और ऐसे जो न्यू पिजन चिक्स हैं वो इस जाल के अंदर आराम से इधर लाइक अपनी साइडें वगैरह देख लेते हैं। जब मैं इनको निकालता हूँ तो इनके लॉस होने का ख़तरा कम होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।